फरमाया कि देखो शिर्क नहीं करना, हम सब गुनाह जब चाहेंगे जिसके चाहेंगे माफ कर देंगे, एक शिर्क माफ नहीं करेंगे। फरमाया शिर्क की एक किस्म बहुत खतरनाक है, उसको अच्छी तरह से समझ लो। वमिन अन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के साथ गैरों को शरीक ठहराते हैं। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, वो गैरों से लोगों से यूं प्यार करते हैं जैसे अल्लाह से प्यार करना चाहिए। वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और वो लोग जो ईमान लाए हुए होते हैं उनकी मोहब्बत अल्लाह से शदीद तरीन होती है। मालूम हुआ कि किसी और चीज से इतनी मोहब्बत करना जितनी कि अल्लाह से होनी चाहिए शिर्क हो गया। अल्लाह की मोहब्बत के बराबर किसी और की मोहब्बत क्यों आए? वो तो मकसूद अव्वल है, वो महबूब हकीकी है, वो हमारा असली हदफ है, उसी की तरफ तो हमें लौट के जाना है। मोहब्बत तो उसी से ही करनी है, बाकी वही चाहतों का मरकज है, बाकी जितनी चाहते हैं मोहब्बत हैं उसकी मोहब्बत के ज़ैल में आएंगी, उसके ताबे होंगी, सानवी होंगी। तो फरमाया कि किसी चीज से ऐसी मोहब्बत नहीं करनी है कि अल्लाह की मोहब्बत के बराबर आने लगे, वो शिर्क हो जाएगा, वो माफ नहीं करूंगा। और फरमाया कि हां, जब ये मुशरिक लोग अजाब का मुशाहदा कर लेंगे उस वक्त उन्हें पता चलेगा, अन्नल कुव्वत लिल्लाह जमिया, कि यार सारी की सारी कुव्वत, सारे इख्तियारात, सारा तसर्रुफ अल्लाह के पास था, वही फाइल हकीकी था, जो कुछ कर रहा था वही कर रहा था, उसके करने से सब कुछ होता था, उसके ना करने से सब कुछ रुक जाता था। मिल गई है, उस वक्त जाके बेवकूफों को पता चलेगा, एकाश यहीं पता चल जाए तो जिंदगी का नक्शा बदल जाए। आगे फरमाते हैं कि देखो तुम इस चक्कर में पड़े हुए हो, बैतुल मक़दिस छोड़ दिया, काबे की तरफ आ गए। नेकी इस बात का नाम नहीं है कि तुम मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ मुंह कर लो, नेकी इस बात का नाम है कि तुम ईमान लाओ, अल्लाह की खालिस सच्ची इबादत करो, लोगों के साथ हमदर्दी के साथ पेश आओ, अपने अखलाक दुरुस्त करो और अपने मामलात को ठीक करो। और यही चार चीजें दीन हैं।